हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं नहीं हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलनकर्ता सब, शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो इन लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब तो इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि भाई धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। अभी लोग है नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया है इन लोगों का पूरी तरीके से। कल हमारी एसपी से भी बात हुई थी, हम बोले भाई धरने का तो इन लोगों का राइट है, और ये लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए, अब इको पार्क में लोग हम लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बेचारा सब टिकट कटा कटा करके बैठा है लगभग हजारों की संख्या में। हम यहाँ आए हुए इन्हीं लोगों के पास है, मिल रहे हैं आप डीएम से कम इन लोगों की अनुमति, वहाँ बैठने की इजाजत तो मिले। सर्दी का मौसम है, ठंड है, नहीं तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा यहीं इको पार्क में। ठीक, विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन नियंत्रण का। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव के हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में हो गए। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइए, हम आपको हम भेज देते हैं, बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना ना ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं उसको पार्क में, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। डीएम साहब नमस्कार। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है, वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मैंने विभाग से नहीं, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं नहीं विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव के हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा तो हम चेक करा लेते हैं कि लोग कब का। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम दिखवा लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइएगा, हम आपको हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहे हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना 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 ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।
सर।